नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ले चल रहे हैं जयपुर की ओर। एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 5 दिन में सजा दिला दी। घटना जयपुर के कमिश्नरेट के कोट खायवादा थाना के क्षेत्र की है। यहां 26 सितंबर की रात को आरोपी ने 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने के बाद गला घोटकर मारने का भी प्रयास किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी कमलेश मीणा को गिरफ्तार किया और महज 5 घंटे की जांच पूरी करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले में ट्वीट करते हुए 5 अक्टूबर मंगलवार की रात को राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर दुष्कर्मी को जल्द से जल्द कठोरतम सजा सुनिश्चित कर हर पीड़ित को इंसाफ दिलाएगी। हमारी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का नतीजा ऐसे फैसलों में दिखता है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के मुताबिक 27 सितंबर की रात 12:23 पर पीड़िता के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे तक आरोपी कमलेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसी दिन करीब 5 घंटे की जांच पूरी कर शाम को पास्को कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया और उसी दिन करीब 5 घंटे की जांच पूरी कर शाम तक पास्को कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। नाबालिग के दुष्कर्म के इस मामले में जांच के दौरान 150 पुलिसकर्मियों की टीमें जुटी रहीं। उच्च अधिकारी के निर्देशन में सभी पुलिसकर्मियों को अलग अलग टास्क दिए गए। पुलिस टीम ने सभी टास्क पूरे करते हुए शाम तक फाइनल पेश कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं ना हो, आपको भी सतर्कता रखनी है और पुलिस को मदद करनी है, आपको अपनी प्रतिक्रिया भी देनी है। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।